अब देखिए जातीय और साथ ही क्या कुछ समीकरण है मुस्लिम आबादी कितनी की, देखिए सहारनपुर, बिजनौर और अमरोहा में हमने आपको दिखाया, तो इन जिलों में मुस्लिम आबादी कितनी है ये आप जान लीजिए। संभल में 32% से ज्यादा है, मुरादाबाद में 50% से ज्यादा, रामपुर में 50.57% और रामपुर की सीट तो बेहद आप कह सकते हैं कि हॉट सीट के नजर बनी रहेगी। बरेली में 34.54%, बदायूं में आदित्य भी बता रखी थी कि मुस्लिम आबादी काफी है, 23% से ज्यादा है। शाहजहांपुर में 17.5%। तो इससे पहले आपने देखा सहारनपुर जिले में, बिजनौर जिले में, अमरोहा में, चूंकि 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव है, ज्यादातर सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, 55 सीटों में से पिछली बार जीती थी 38 सीटें, ध्रुवीकरण खुलकर चला था, क्या इस बार चलेगा, अगर चला तो किसको फायदा इसका मिलेगा। गठबंधन कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है, चूंकि आप नहीं कह सकते कि किसी के लिए बहुत बहुत आसान है, ऐसा नहीं लगा चुनाव प्रचार में कम से कम, तो कड़ी फाइट जो नजर आ रही है उसमें कौन जीत हासिल करेगा ये तय करना है वोटर्स को, ये तय करना है आपको। अगर आप हैं आज यूपी में, आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन हो रहा है तो आप वोट कीजिए, घरों से निकलिए, क्योंकि ये आपका केवल अधिकार नहीं, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में। तो मुस्लिम फैक्टर किसका खेल बिगाड़ेगा और किसको लखनऊ भेजेगा रुहेलखंड से, ये देखना बहुत अहम होने वाला है। चलिए सरफराज अंसारी हमारे संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज, क्या कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं वोटिंग को लेकर, क्योंकि सभी नेताओं की ओर से अपील तो की गई है कि अधिक से अधिक वोट करें, घरों से निकलें, उसके बाद कोई भी काम करें। जी मैं आपको बताना जी मैम आपको बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद संभल के चंदोसी विधानसभा में, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ बहुत सारी संख्या में महिलाएं और पुरुष मतदान करने के लिए आए हैं और अपने अपनी लाइन में खड़े हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ प्रशासन भी मुस्तैद है, चाक चौबंद व्यवस्था बना रखी है। जी ज्योति मैम, सरफराज आपके साथ जो वोटर्स मौजूद हैं उनसे आप बात कीजिए कि क्या मुद्दे जहन में लेकर आए हैं, अगर वो बता पाए कि किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे। जी जी मैं बात, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम जी, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए, क्या मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं या क्या मुद्दे हैं आपके, थोड़ा जोर से बोलेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके? चलिए और भी लोगों से बात करूंगा, ये एक युवा है मेरे साथ, इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? तारिक जी। तारिक जी, आपके क्या मुद्दे हैं इस बार, आप जो वोट करने आए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मेन मुद्दा रोजगार, विकास, जो अभी तक नहीं हुआ, नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। तो आप युवा, आपको किस तरह का रोजगार चाहिए, क्या सुविधाएं चाहिए सरकार से? सरकार से वही सुविधा चाहिए जो एक आम इंसान को चाहिए होती है, जस्ट लाइक जॉब, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले। यहाँ कुछ मतदाता और मेरे साथ है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, बात करूंगा। क्या नाम है आपका? उपकार बंसल। उपकार बंसल, उपकार बंसल जी, आपके इस बार जो वोट करने आए हैं तो आपके इस बार क्या मुद्दे रहेंगे? सुरक्षा रहेगी मैन जी, सुरक्षा। सुरक्षा नहीं मिल रही आपको? पूरी सुरक्षा मिल रही है, रोजगार तो हमने अपना ढूंढ लिया, अपना बिजनेस चालू कर लिया, बस केवल सुरक्षा चाहिए। चलिए कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद है, उनसे बात करूंगा, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ वोट करने आई है तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके, विकास के मुद्दे रहेंगे या कोई बड़े नेता का चेहरा रहेगा? आप गृहिणी हैं, महंगाई के लिए क्या कहेंगे, आपकी रसोई में महंगाई का कितना असर पड़ा है? महंगाई है क्या? तो इस बार किस मुद्दों को लेकर वोट कर रही हैं? ये महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, सीधी हैं, नहीं बोल पा रही, कुछ और हैं, मैं इनसे बात करूंगा, छोटा बच्चा इनकी गोद में है और ये भी वोट कर रहे हैं, ये काफी देर से लाइन में खड़ी है, मैं इनसे जानना चाहूंगा क्या मुद्दे हैं इनके, क्या मुद्दे हैं आपके? नहीं बोलेंगे ये भी महिलाएं, जरा थोड़ा सा यहाँ बोलने में हिचकिचा रही है, नहीं बोल पा रही है, कुछ और महिलाएं जिससे कोशिश करूंगा बात करने की। आप इस बार वोट करने आई है तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? महंगाई, थोड़ा जोर से बोले, महंगाई है, अब कैसे चल रहा है, खर्चा पानी कैसे चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे कमाने वाले बुढ़े हैं, ये बदलाव कैसे खर्चा पानी चल रहा है। सरकार में रोजगार नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला, नहीं मिला रोजगार। यहाँ महिलाएं हैं और पुरुष हैं, कुछ लोगों का कहना है कानून व्यवस्था मुद्दा बनाया, कुछ लोगों ने महंगाई को मुद्दा बनाया, कुछ लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया। जी ज्योति मैम, बिल्कुल सरफराज, तो कुल मिलाकर अपने अपने मुद्दों को लेकर लोग वोट करने आए हैं। सीट का मिजाज क्या है, अब तक के इतिहास की बात करें और इस बार का चुनाव प्रचार के लिहाज से अगर बात करें तो क्या कुछ माहौल रहा?
मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ ये वीआईपी सीट है, यहाँ पे गुलाबो देवी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ मंत्री भी रह चुकी हैं, शिक्षा माध्यमिक मंत्री, और यहाँ दूसरे सीधे टक्कर समाजवादी पार्टी से बताई जा रही है, इसमें बिमलेश कुमारी यहाँ पर समाजवादी से चुनाव लड़ रही है। जी बहुत शुक्रिया सरफराज, ये पूरी अहम जानकारी आपने दी है।